आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पे। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंदौली में पुलिस गश्त की खुली पोल। बड़ी खबर सामने आ रही है चंदौली से। रात में चोरों ने दो दुकानों के तोड़े ताले। बड़ी खबर सामने आ रही चंदौली से। नगदी सहित सामान पर हाथ किया साफ। बड़ी खबर सामने आ रही चंदौली से। बर्तन की दुकान से 28,000 नगदी की गायब। पूर्व में चोरी पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। बड़ी खबर सामने आ रही है, शहाबगंज कस्बे का मामला बताया जा रहा है। चंदौली में पुलिस गश्त की खुली पोल। बड़ी खबर सामने आ रही चंदौली से। रात में चोरों ने दुकानों के ताले तोड़ कर किया हाथ साफ। नगदी सहित सामान पर हाथ साफ किया। बड़ी खबर सामने आ रही है, बर्तन की दुकान पर 28,000 नगदी की गायब। पूर्व में चोरी पर अब तक नहीं हुई कार्यवाही। बड़ी ढील नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की। शहाबगंज कस्बे का बताया जा रहा मामला। चंदौली में पुलिस गश्त की खुली पोल। बड़ी खबर सामने आ रही है, रात में चोरों ने दो दुकानों के तोड़े ताले। नगदी सहित सामान पर हाथ किया साफ। बड़ी खबर सामने आ रही है, बर्तन की दुकान से 28,000 नगदी की गायब। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है अजीत, जिस तरह से चोरी हो रही है, क्या बताएंगे इस पे? मैम, आपको बता दें कि लगभग 1:30 बजे रात को चोरी हुई है, जिसमें 28,000 रुपया नगद भी ले गए चोर, और ताला तोड़ के और शटर को खोल के पूरा तरह से पैसा भी ले गए, कुछ बर्तन सामान भी ले गए हैं। और अभी वहाँ पर मौके पर जब वहाँ पर पुलिस पहुंची तो दुकानदार को आश्वासन दी है अभी तक। जी अजीत, तो दो दुकानों के ताले तोड़े गए, कुल कितने की चोरी को अंजाम दिया चोरों ने? अभी वही लगभग 1 से 1.5 लाख की चोरी हुई है दोनों दुकानों में मिला के। अभी तक पुलिस सभी लोग को आश्वासन दी कि चोरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। जी अजीत, सिर्फ आश्वासन दिया गया है, पहले जो चोरी हुई थी उस पर क्या कुछ कार्रवाई कर चुकी है पुलिस? अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। पुलिस की भी बहुत ही कमियां नजर आ रही है इस समय। हर जगह इसमें कोहरा किसी समय अपना हाथ साफ कर पा रहे हैं जी, अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत जगह ही कमी आ रही है। साहबगंज थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे। लखीमपुर खीरी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। बड़ी खबर सामने आ रही है, मोबाइल को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। संघर्ष में एक महिला की मौत, चार घायल। लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आ रही है, लाठी डंडों और धारदार हथियार से किया हमला। बड़ी खबर सामने आ रही है, मोबाइल को लेकर बताया जा रहा है विवाद। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी, एक महिला की मौत। निघासन के झौबापुरवा टपरी का मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, मोबाइल को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या मामला है पूरा? देखिए बिल्कुल बता दूं, कल बीती रात में देर शाम को जो है एक मोबाइल को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया, विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और पथराव भी, उसके बाद में धारदार हथियार भी चले हैं, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं, एक महिला की मौके पर मौत भी हुई है। उसके बाद में आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर आकर जो है महिला को जो पीएम महिला के सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। वहीं पर दोनों पक्षों से तहरीर भी है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। और जो बिल्कुल बता दें, जो दो घायल हुए थे उनको जो है निघासन CSC भेजा गया, CSC में हालत गंभीर देखते हुए जो उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जी धीरज, क्या इन दोनों गुटों में पहले से ही किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी या फिर अचानक इस तरह का हादसा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मोबाइल को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। मोबाइल के विवाद में धीरे धीरे विवाद जो बढ़ता गया, बच्चों से लेकर बड़ों तक पहुंचा, उसके बाद में जो है लाठी डंडे चले हैं, पथराव भी हुआ, धारदार हथियार भी चले हैं, जिससे महिला की मौत भी हुई है मौके पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज तिवारी जुड़े थे। खूनी
क्रैश में एक महिला की मौत हो गई है, चार लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया। मऊ में रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल, बड़ी खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, टक्कर से दो की मौत, चार लोग घायल। इब्राहिमाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा मामला, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस अनियंत्रित हो गई। मऊ में रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल, बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अनियंत्रित बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, टक्कर से दो की मौत, चार लोग घायल। इब्राहिमाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। मऊ से खबर सामने आ रही है, जहां रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, बस के बाद अनियंत्रित हो गई बस और बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें लोगों की मौत भी हुई है। दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, चार लोग घायल बताए जा रहे हैं इस टक्कर में, जिसके बाद घायलों का इलाज जारी है। इब्राहिमाबाद क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस खबर में वैसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, किस जगह पे ये बस अनियंत्रित हो गई थी और कितने लोगों की मौत की सूचना है? बता दें शिखा जी आपको कि ये इब्राहिमाबाद जो हरिघाट क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, जो बस का स्टीयरिंग ब्रेक फेल होने की वजह से कई गाड़ियों में टक्कर, जिसमें दो की मौत और चार घायल और एक की तबीयत सीरियस जी। तो कितने लोग घायल हो गए हैं और उनका इलाज किस अस्पताल में चल रहा है कमलेश? जी चिकित्सा सरकारी अस्पताल चिकित्सा अस्पताल में ही चल रहा है, जिसमें चार लोग घायल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कमलेश पाल जुड़े थे। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, छेड़छाड़ का विरोध करने पर खूनी संघर्ष, पीड़ित पर लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से किया हमला, मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल, घायलों को सीएचसी लालगंज में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर सामने आ रही है, लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी सामने आई मारपीट की, छेड़छाड़ का विरोध करने पर खूनी संघर्ष, पीड़ित पर लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से किया हमला, मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो छेड़छाड़ के विरोध में खूनी संघर्ष हो गया है, घायलों को सीएचसी लालगंज में भर्ती कराया गया है। इस खबर पे हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, क्या है पूरा मामला? अली खेत के अमारा पश्चिम का गांव का मामला है, जहां पर आए दिन छेड़छाड़ करते थे। छेड़छाड़ का जब परिजनों ने जाके उनके पुलिस थाने में या उनके परिजनों से शिकायत की है, तो उसी के विरोध में उन महिलाओं को इतना ज्यादा माला पीटा गया है, जिससे कि कम से कम पांच से छह लोग घायल हुए हैं, जिनको कि इलाज के लिए गंभीर हालत में लालगंज सामुदायिक केंद्र लाया गया। हालांकि वो खतरे से बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो महिलाओं के प्रति सुरक्षा की महिलाएं घायल हुई है इस मारपीट में, एक पुरुष भी घायल है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं रायबरेली पुलिस से लगातार महिलाओं सुरक्षा के लिए के द्वारा कहीं इस तरह की घटनाओं में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। अगर ये मौके पर पहले ही एहतियातन कदम उठा लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना ना घटती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। रायबरेली में नहीं सुधर रही है पुलिस, बड़ी खबर सामने आ रही है, घर में घुसकर थाना अध्यक्ष ने की मारपीट, घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट, बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से। भदोखर थाना अध्यक्ष की गुंडाई सीसीटीवी में कैद, बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां थाना भदोखर के अदरियापुर चौराहे का मामला बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।